और बहुत स्वागत बहुत अभिनंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों, मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत जरूर बताएं। बहुत मेरे भाई बहन मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि दीदी धन प्राप्ति के उपाय तो आपने बहुत बताए, कुछ ऐसा उपाय बताइए, कुछ छोटा उपाय बताइए जो हम आसानी से कर सके, जिसमें ज्यादा खर्च ना हो, जिसमें ज्यादा झंझट ना हो। दोस्तों मैं उपाय के बारे में बात करूं तो थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है सबको अपने हिसाब से किसी ना किसी उपाय को करने में। कभी पीपल का पेड़ जाना पड़ता है आपको, तो कभी शनिवार को नदी जानी पड़ती है। लेकिन ये जो उपाय होते हैं इसे हम ज्योतिष जब बनाते हैं तो बड़े सोच समझ कर बनाते हैं, और इसका फल जब आपको प्राप्त होता है तो आपकी जिंदगी आपकी दशा बदल जाती है। तो थोड़ा बहुत परेशानी को जरूर आप सहे, लेकिन कोई भी उपाय यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में उसकी जरूरत है तो अवश्य करें। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ कोई खर्च नहीं है, कोई परेशानी उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आप पर इतना अच्छा असर होगा कि आपने थंबनेल में कहा पढ़ा होगा कि एक रुपए की कपूर की टिकिया से आप करोड़पति बन सकते हैं, तो ये कोई मिथ्या बात नहीं है। आपके घर की सारी समस्या दूर कर देगा ये एक कपूर। किंतु आप कहेंगे कि कपूर तो हमारे घर में रोज जलता है, कहाँ कुछ होता है। ऐसी बात नहीं है, जिस सामग्री का कहाँ इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है यदि ये हम सही से जान गए तो हम उस एक रुपए की टिकिया जो होती है कपूर की, इससे भी करोड़पति बन सकते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, अपने घर की बहुत सारी परेशानी और बाधाओं से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम जो हर घर में ज्यादातर घर में होती है, पारिवारिक कलह। घर में सभी सदस्यों के बीच थोड़ा ना थोड़ा किसी ना किसी बात को लेकर मन मुटाव चल रहा है। क्या करें, घर में समृद्धि है, धन है, संपत्ति है, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन परिवार में थोड़े बहुत बात के लिए वाद विवाद हो जाता है। यदि ऐसा हो रहा है कोई वास्तु से धरवाने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित जी और किसी ज्योतिष शास्त्र के पास आप मत जाइए। आपको करना है हर शनिवार को अपने बाथरूम में जहाँ आप स्नान करते हैं वहां के किसी भी कोण में, पूरा पश्चिम उत्तर या दक्षिण, आप किसी भी कोण में एक कपूर की टिकिया जला दें और दरवाजा बंद कर दें, अंदर कोई ना रहे। हर शनिवार को आपको ये उपाय करनी है और कम से कम 43 दिन करनी है। 13-14 दिन के अंदर ही असर हो जाएगा, घर आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। लेकिन 43 डे इस उपाय को कंटिन्यू कीजिए, कोई खर्च नहीं है, एक टिकिया आपको हर शनिवार को जला देनी है और शनिवार से स्टार्ट करके आपको 43 दिनों तक जलानी है। घर में परिवार में चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, कलह नहीं होगा, झगड़े नहीं होंगे, और जब झगड़े नहीं होते हैं ना, कलह नहीं होते हैं परिवार में, तो अजीब सी शांति होती है और धन का आने का फ्लो जो होता है वो तो बढ़ता ही है। चलिए दूसरी बात करते हैं कपूर के इस्तेमाल का, कि यदि आप अपने पूजा रूम में कपूर जलाते हैं, ईश्वर की आरती कर लेते हैं, उसके बाद हम कपूर की जो दानी होती है उसे सामने ही रख देते हैं, कपूर जलता हुआ, यदि कपूर खत्म हो रहा है उसमें, तो आप एक टिकिया और डाल दें और अपने घर के एक एक कोने कोने में दिखाएं। खास करके यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति है और वो ज्यादातर जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में कपूर को अवश्य दिखाएं। कपूर की जो खुशबू होती है उसे जरूर फैलाएं, नेगेटिविटी घर से दूर चली जाएगी। और वो जो बीमारी है ना, बीमारी ऐसी नहीं होती है, कोई ना कोई ग्रह इसके कारक होते हैं, तभी घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा होता है, कोई दवाई उस पर असर नहीं करती लेकिन कपूर उस पर असर करेगा। आप 43 दिन तक ये उपाय करके देखिए, घर में आप 43 दिन तक लगातार कपूर जलाएं और उसकी जो धूमी होती है उसे पूरे घर में फैलाएं और असर देखें अपने घर में। आइए बात करते हैं पैसों की, पैसा कहाँ से बरसेगा। ये तो हुई बीमार व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा या घर में कलह नहीं होगी। आप कहेंगे हमारे घर में कोई बीमार नहीं है, कलह नहीं होती, लेकिन धन नहीं है, कुछ ना कुछ घट जाता है, तब इस कपूर का कैसे इस्तेमाल करें। ऐसी अवस्था में कपूर एक चमत्कारिक चीज साबित होगी आपके लिए। क्या करना है आपको, शुक्रवार के दिन से प्रारंभ करें, किसी भी महीने की किसी भी शुक्रवार से। जब आपका आपकी कुकिंग हो जाती है रात की, सभी सदस्य खाना खा लेते हैं, बर्तन साफ हो जाती है, रसोई घर पूरी तरह से साफ हो जाता है, गैस का जो चूल्हा है इसे भी आपने साफ कर दिया, पोंछ दिया, अब किचन से एक दाना भी आपको लेना नहीं है, पानी तक नहीं लेनी है, जब तब आप एक कपूर की टिकिया किसी भी पात्र में जला दें और उसके साथ उसमें दो लौंग रख दें और बस जलाकर किचन का दरवाजा बंद कर दें। वो जली धुआं जो है उसका वो आपके किचन में ही फैल गया और बस शुक्रवार के दिन से आपने प्रारंभ किया और 43 दिन तक आपने ये उपाय किया।
आपके घर से दुख, गरीबी, दरिद्रता या कमी किसे कहते हैं आप भूल जाएंगे और 7 दिन से ये उपाय जो है आपके घर में कार्य करने लगेगा। इतना धन बरसेगा कि आप खुद भी मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे धन्यवाद जरूर अर्पण करेंगे। तो बस दोस्तों, कपूर के चमत्कारिक टोटके आज से ही कीजिए और अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर रोज लेकर आती हूँ कुछ ऐसे टोटके, कुछ ऐसे उपाय जिसे अपना कर आप अपने जीवन में परिवर्तन स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।